हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए कल की वीडियोस देखिए। ओके, कल की वीडियोस में आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही साथ लगेगा अपर सर्किट, तो अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। कल मार्केट होते ही साथ इन दो शेयरों पर नजर रखिएगा, दोनों शेयर में से एक शेयर यहाँ पर बाइंग मोड पे आ गया और दूसरा शेयर यहाँ पर 10% भागता हुआ नजर आ गया। तो चीजें अगर सीखेंगे और सीख के अगर काम करेंगे तो याद रखिए बेहतरीन पैसा बनता हुआ नजर आएगा। नो बडी कैन बीट यू एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पर चीजें समझने की कोशिश करिए। कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने एक नए शेयर से रूबरू कराया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था शीतल कूल। शीतल कूल शेयर से रिलेटेड रूबरू कराया था, वहां पर आप देखेंगे शीतल कूल को। तो शीतल कूल का यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर आज देख लीजिए, 27% के रिटर्न 3 दिन के अंतर मिलते हुए नजर आए हैं। तो स्टडी मायने रखती है, अगर आपने स्टडी सही कर रखी है तो नोबडी कैन बीट यू इन द मार्केट। ओके, और इजीली पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शीतल कूल ने यहाँ पर 27% के रिटर्न कुछ दिनों के अंदर अंदर दे दिए। क्या अभी खरीदना चाहिए? तो इस चीज के लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको शायद समझ में ना आए, बट अगर आप हमारी वीडियोस देखते होंगे डेली डेली तो आपको यहाँ पर पता चलता होगा कि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए, वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस शेयर को आप खरीदना है या नहीं खरीदना है कल के लिए। तो कल यहाँ पर क्या हो सकता है वो आप बताइएगा, उसके बाद मैं कमेंट करके आपको यहाँ पर डेफिनेटली बताऊंगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे शेयर थे यहाँ पर 2-3 दिन पहले, यहाँ पर और शेयर से रिलेटेड बातें करी थी मैंने, यहाँ पर स्टार हाउसिंग से रिलेटेड बातें करी थी, वो भी नीचे जाके ऊपर आया। मॉस्टिप से रिलेटेड बातें करी थी, आईटी से रिलेटेड बातें करी थी, यहाँ पर पैनी स्टॉक अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, और इसके अलावा यहाँ पर एमी ऑर्गेनिक से रिलेटेड बातें करी थी यहाँ पर, और यहाँ देखिए मिष्ठान फूड्स से रिलेटेड बातें करी थी, जहाँ पर मिष्ठान फूड्स में 5% का अपर सर्किट आज लगता हुआ नजर आया। तो ये चीजें सीखने की है और इसके लिए आपको हमें फॉलो करना होगा। ओके, आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, डेली वीडियोस देखनी पड़ेगी, और भी ऐसा नहीं बीच बीच में से स्टार्टिंग टू एंड, ताकि चीजें समझ में आए। एक बार देखना शुरू करें तो बिलीव मी कि करोड़पति बनना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप करोड़पति डेफिनेटली बन जाओगे, और केवल हमारे यहाँ से ही सीख के बन जाओगे, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और इन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं। और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आज के दिन बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है डी नोरा इंडिया लिमिटेड। 10-11% ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और ये शेयर बताने के पीछे रीजन क्या है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। सबसे पहले डी नोरा इंडिया लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। देखिए नोरा ग्रुप की एक कंपनी 1989 में एक कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग रिफर्बिश एंड सेलिंग ऑफ कैथोड एनोड इलेक्ट्रो क्लोरोनाइट एंड द कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफर्बिश ऑफ क्लोर एल्कलीस इलेक्ट्रो, यहाँ पर देखिए सारी की सारी चीजें जो दे रखी है, ये सारी चीजों में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। प्रोडक्ट एप्लीकेशंस की बात करें, द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, लाइक जैसे कि मार्केट लाइक क्लोरीन एंड कॉस्टिक इंडस्ट्री, ब्लीचिंग केमिकल, एग्रीकल्चर एंड लाइव एंड वाटर एंड सर्फेसिंग फिशिंग में फिनिशिंग में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी से 93% का रेवेन्यू है, वाटर टेक्नोलॉजी से 7%। जियोग्राफिकल की बात करें तो मेटल तो मेटल में रैली रुकी है, याद रखिए मेटल में रैली यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई है, तो मेटल की तरफ आपको ध्यान देना है। बट हम इस शेयर की बात कर रहे हैं तो इसी शेयर पर ध्यान देंगे। एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा, विजिट करेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी क्या होता है, वाटर टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए एनालाइजर एंड डिटेक्टर, यहाँ पर सारी चीजों से रिलेटेड चीजें यहाँ पर बताती हुई नजर आई है, गैस डिसफंक्शन। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और पॉइंट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स की तरफ आ जाते हैं। मार्केट कैप 349 करोड़, मतलब स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है, तो यहाँ पर रिस्क को भी अपने साथ में लेना है। क्यों? क्योंकि अगर रिवॉर्ड मिलेगा
रिवॉर्ड किस तरीके का, यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर शेयर यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आ रहा है। जब शेयर 1 महीने का डबल हो सकता है तो यहाँ पर जब गिरेगा तो इसी तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ भी नजर आ सकता है कि 580 600 रुपये वाला शेयर यहाँ पर कितने रुपये पे 150 रुपये पे ही आ जाए। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, इसलिए ऐसे कंपनी में सोच समझ कर प्रॉफिट बुकिंग करते करते यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टॉक पी की बात करें, 22 का पी है, इंडस्ट्री का 23 का है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सस्ता है। आरओसी आरओई बेहतरीन है और छोटी कंपनी में आरओसी आरओई इतना मिल जाए तो ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए, इस बात को रखिए, वॉच लिस्ट में ध्यान लगा के रखना पड़ता है। 28.4% का आरओसी आरओई, 20% का डेट की बात करें, डेट फ्री कंपनी, तो सारे पॉजिटिव पॉइंट देखिए, डेट फ्री कंपनी, आरओसी आरओई बेहतर, पी रेशो कम, मार्केट कैप यहाँ पर छोटा, ओके सब, और 10 का फेस वैल्यू, सब चीज़ तो यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, सब कुछ बेहतरीन नज़र आ रही है। और ये शेयर बताने के पीछे क्या रीज़न है, इस शेयर बताने के पीछे रीज़न है कि ये कंपनी का जो रिजल्ट है लगातार अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कुछ क्वार्टर से, और अभी का जो रिजल्ट है 39 करोड़ का सेल्स हाईएस्ट एवर है, इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है क्वार्टरली एनुअली और पूरे 12 क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट की बात करें 10 करोड़ क्वार्टरली एनुअली, ये भी अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37%, जो कि क्वार्टरली ईयरली सब बेहतर है, तो सब चीज बेहतर 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 शानदार 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 नजर आती है। तो ऐसे शेयर को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, तब चीजें यहां पर अपर सर्किट ही लगाती हुई नजर आती है क्या, बट अपर सर्किट में शेयर खरीदना है कि नहीं, इसके लिए हम जब टेक्निकल में बात करेंगे तो लास्ट तक बने रहिएगा, तो हम यहां पर बात करते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर कुछ और पॉइंट्स की, तो कंपनी का रिजल्ट देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे कुछ खास नहीं रहा है, ओके, यहाँ पर एक साइडवेज जोन रहा है, इसी वजह से शेयर यहाँ पर ऊपर नीचे करके नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, बट बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद शेयर ऑल टाइम हाई तक तो चल ही रहा है और भी यहाँ पर ऊपर खास भाग सकता है। रिजर्व्स की बात करें 77 करोड़ के रिजर्व्स, कोई बोरोइंग नहीं है, ओके, वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट 23 करोड़, कैश की बात करें 21 करोड़ रुपए का कैश, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ दिखाई देते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.68% की यहाँ पर होल्डिंग है, एज इट इज बनी हुई है, और पब्लिक के पास यहाँ पर 46.32% की होल्डिंग है, ये भी एज इट इज बनी हुई है, और कुछ बड़े लोगों ने देखिए अभी अभी यहाँ पर एंट्री लेते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीई नोरा इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, तो डीई नोरा अगर मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ इसका चार्ट, तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी चार्ट में। तो देखिए आज के दिन 10% का अपर सर्किट, ओके, बट रिजल्ट आने का जब 10% का अपर सर्किट लग जाता है ना, तो यहाँ पर तो ना आपने खरीद पाया, ना मैं खरीद पाया, और ना ही कोई और जो ये ऑपरेटर का गेम था वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। बट अभी यहाँ पर इस शेयर को आपको खरीदना नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस शेयर को आपको यहाँ पर अभी खरीदना नहीं है, क्योंकि अगर आप खरीद लेंगे तो यहाँ पर एक ऑपरेटर गेम खेलते हैं कि यहाँ पर चीजें ऊपर ले जाके एकदम फंसा देते हैं, फंसाने का चीजें नीचे गिरती है, आप लोग यहाँ फंसे रह जाते हैं, प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकल जाते हैं, और यहाँ पर आने पर वो खरीदते हैं, एट द टाइम आप बेच देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का गेम होता रहता है। तो आपको यहाँ पर नहीं खरीदना, आपको खरीदना नीचे, ओके, जब शेयर नीचे आए तब यहाँ पर खरीदना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सपोर्ट की, ओके, और रेजिस्टेंस तो देखिए अभी यही बनता हुआ नजर आएगा, और ऊपर भागेगा तो और बनता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट की बात करें तो एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ नजर आता है, ओके, उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट यहाँ पर भी नजर आता है, तो इन सपोर्ट की तरफ भी आपको क्या करना है, इसकी इन सपोर्ट की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ओके, इन सपोर्ट की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई दिखाई देगी। तो एक सपोर्ट यहाँ पर भी नजर आता है। तो बाइंग सेलिंग की तो देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो आपको सीखनी पड़ेगी और सीखने के लिए फॉलो करना है कि क्या फॉलो करना है कि यहाँ पर जब एक अच्छी रैली हो जाती है, ओके, तब एट दैट केस या तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ता है, और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, और कभी भी ऊपर चढ़ के यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर शेयर नहीं खरीदना है। और तो एक चीज और बताऊंगा आज कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी जब इस तरीके के शेयर में लगातार गिरावट होती रहती है और 5-10% नीचे आ जाते हैं, तो ऐसे शेयर में यहाँ पर डर के बेचना नहीं होता, उसे यहाँ पर और खरीदना होता है, फिर यहाँ पर फिर और रैली होती हुई नजर आती है। अब देखिएगा यहाँ पर इस शेयर में कितनी गिरावट होती है, अगर ये शेयर इसी के आसपास आता है, इसी के में ट्रेड करता है, इन्हीं सपोर्ट लाइन पे यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर बाइंग करने की सोचिएगा, ओके, आने वाले टाइम में, ओके, जब इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे होंगे तो अच्छा खासा रिटर्न 10-20-30% का मिलता हुआ नजर आएगा। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको कोई भी काम करना है, इस चीज को याद में रखिएगा। तो चैनल को इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सपोर्ट हमें करेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक से एक बेहतरीन वीडियो डेली बेसिस पे आती रहेंगी, ओके, और आपको सिखाया जाएगा, और ऐसे सिखाया जाएगा कोई भी आपको
यहाँ पर नहीं सिखाएगा, और अगर कोई सिखाएगा भी तो आपको आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपको अलग अलग कोर्स बेचे जाएंगे, अलग अलग ऑफर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर फ्री में आपको सिखाया जाता है। तो फ्री में सीखने के लिए केवल वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना। इन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।